नमस्कार, जी हिंदुस्तान देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिंह, मेट्रो स्टेशन लेकर हाजिर। और आज मेट्रो स्टेशन में बात होगी मेट्रो सिटी मुंबई की। कहते हैं इंसान गलतियों से ही सबक लेता है। जब कानून के फंदे में फंसता है तभी सद्बुद्धि आती है। किंग खान के बिगड़ैल शहजादे को ही आप देख लीजिए। आप जेल की सलाखों में करवट बदल रहा आर्यन अब धर्म पाठ कर रहा है। भगवद गीता, कुरान और बाइबल पढ़ रहा है इन दिनों। अच्छा बच्चा बनने की कसमें खा रहा है वो। दरअसल जेल में आर्यन की काउंसलिंग की जा रही है। धर्मगुरु उसे सीख दे रहे हैं। बिगड़ैल आर्यन खान को पटरी पर लाने के लिए एनसीबी ने आखिरी कोशिश की हुई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या रईस ज्यादा अब अच्छा बच्चा बनेगा या फिर जेल से छूटते ही फिर से नशे के गटर में गोते लगाएगा। इस रिपोर्ट को देखिए। बिगड़ैल शहजादे की काउंसलिंग। बिगड़ैल शहजादे को पटरी पर लाने की आखिरी कोशिश। बुरी संगत और बुरी आदत दोनों इंसान को बिगाड़ देती है और जेल में बंद शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान के साथ भी ठीक ऐसा ही हुआ है। कहां बॉलीवुड में उन्हें लॉन्च करने की तैयारी चल रही थी और कहां आज आर्यन खान अपनी करनी के कारण जेल में बंद है। एक सुपरस्टार बेटा जिसकी पूरी दुनिया में करोड़ों फैंस हैं, वो ड्रग्स केस में पकड़ा जाए, इससे ज्यादा और बदकिस्मती क्या हो सकता है शाहरुख खान के लिए। अब शाहरुख खान को ये सोचकर डर सताने लगा है कि कहीं आर्यन खान जेल से छूटने के बाद दूसरे बिगड़ैल बॉलीवुड स्टार की तरह ना बन जाए जो दिन रात ड्रग्स और शराब के नशे में डूबे रहते थे। और शाहरुख खान को ये टेंशन खाए जा रही है कि आर्यन दोषी पाए जाने पर जेल से सजा काट कर बाहर तो आ जाएंगे, लेकिन इस जहरीले ड्रग्स के दलदल से वो बाहर कैसे निकल पाएंगे। कहीं जेल से बाहर निकलने के बाद आर्यन बिगड़ैल शहजादे से बेलगाम और अय्याश तो नहीं बन जाएंगे, या फिर कहीं ड्रग्स के दलदल में ना उलझ जाए। अब शाहरुख खान के बिगड़ैल शहजादे आर्यन खान को सुधारने का जिम्मा एनसीबी ने उठा लिया है। बेलगाम और अय्याश आर्यन को सुधारने के लिए आर्थर रोड जेल में अब उनकी काउंसलिंग की जा रही है। आर्यन खान को पढ़ने के लिए अलग अलग धर्मों की किताब दी गई है। अलग अलग धर्मों से जुड़े लोग उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं। बिगड़ैल शहजादे को पटरी पर लाने की आखिरी कोशिश है। आर्थर रोड जेल में बंद आर्यन को इस्कॉन मंदिर के लोग और उलेमा उन्हें धर्म ज्ञान दे रहे हैं। ऑल दी अक्यूज जो हमारे पास में आते हैं उसमें से जो हम लोग ने इस्कॉन टेंपल को भी कॉन्टेक्ट करने की कोशिश की, कुछ लोग जो उनके साथ जुड़े हुए हैं और उसके अलावा भी बाकी के भी जो कुछ अदर रिलीजन से आते हैं तो उनके भी धर्म गुरुओं के साथ हम लोग जुड़े हैं जी। तो उनको स्पिरिचुअलिज्म की तरफ से भी और रिहैबिलिटेशन की तरफ से भी हम लोग काउंसलिंग करते हैं। दैट इज नंबर वन। देन कोई अगर आरोपी है जिसे कोई रिलीजियस बुक्स पढ़ना है तो वो भी हम प्रोवाइड कराते सब धर्मों का। सूत्रों के मुताबिक रेप पार्टी करते हुए पकड़े जाने के बाद आर्यन खान गिड़गिड़ा रहे थे, एनसीबी के जोनल डायरेक्टर के पैर में गिरकर छोड़ने की अपील कर रहे थे। यही कारण है कि एनसीबी आर्यन को पटरी पर लाने के लिए अंतिम कोशिश में जुटी हुई है। एनसीबी ऑफिस में भी भगवद गीता, कुरान शरीफ और बाइबल रखी हुई है। और आर्यन खान पकड़े जाने के बाद समीर वानखेड़े से राष्ट्र की सेवा और गरीब जरूरतमंद लोगों की मदद करने का वादा कर चुके हैं। हम लोग खुद भी उनको नेशनल सर्विस की तरफ उनको भी मोटिवेट करते हैं कि उनका, क्योंकि ये जो गंदी आदत होती है ड्रग्स की, तो हाउ टू रिफॉर्म देम एंड रिहैबिलिटेट देम एंड कमिंग इन द मेनस्ट्रीम। तो उसके लिए हम उनको थोड़ा श्रमदान करने के लिए भी बोलते हैं जी। आर्यन खान ने समीर वानखेड़े से ये वादा भी किया है कि वो एक दिन ऐसा जरूर कुछ काम करेंगे जिससे उन पर गर्व होगा। बॉलीवुड में ऐसी कई कहानियां हैं जिनके पिता बड़े सुपरस्टार थे और हैं, लेकिन उन्हें अपने बिगड़ैल और नालायक पुत्र के कारण शर्मिंदा होना पड़ा। वो चाहकर भी लाख कोशिशों के बाद भी अपने बिगड़ैल बेटे को ड्रग्स और अय्याशी के दलदल से बाहर नहीं निकाल पाए। यही कारण है एनसीबी आर्यन को पटरी पर लाने की आखिरी कोशिश कर रही है। और अगर आर्यन अब भी नहीं सुधरे तो फिर एनसीबी उन्हें सुधारने के लिए दूसरे तरीके से सोचेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रेप पार्टी में पकड़े जाने के बाद से ही शाहरुख खान पर सवाल उठ रहे हैं। अब तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने आर्यन खान की परवरिश पर ही सवाल उठा दिया। मौलानाओं की फौज आर्यन के बिगड़ैल होने के पीछे यहां दीन की तालीम नहीं देने को वजह बता रही है। देखिए इस रिपोर्ट को आप। शहजादे की परवरिश पर सवाल।
कि वालिदैन ने, माँ बाप ने बच्चे की तरबियत किस तरीके से की कि बच्चा गलत काम में मुलविस हो गया। शाहरुख खान को मौलानाओं का ज्ञान, अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएं। अगर दीनी तालीम दिलाई होती तो ये हालात नहीं होते, उनका बच्चा नहीं बिगड़ता। ड्रग्स केस में शहजादे आर्यन खान की गिरफ्तारी पर सियासत तेज हो गई है। इस सियासत में राजनेता से लेकर मुस्लिम धर्म गुरु तक कूद गए हैं। कोई आर्यन खान को बच्चा बता रहा तो कोई आर्यन को मुस्लिम धर्म की तालीम नहीं दिए जाने का नतीजा बता रहा है। आर्यन खान की गिरफ्तारी के बाद से ही मौलानाओं की एक फौज आर्यन खान की परवरिश पर सवाल उठा रही है। चाहे हिंदू हो या मुसलमान, अगर वो अपने अपने मजहब पर अमल करता हो और उसके वालिदैन की ये जिम्मेदारी है कि अगर वो अपने धार्मिक ग्रंथों के एतबार से उसको तालीम दें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो बुनियादी तालीमात है वो बच्चों के दिलों में भी उतरेगी और जिस तरीके की लत में वो मुलव्विस हो रहे हैं उस लत से भी उनको नजात मिलेगी। तंजीम उलमाए इस्लाम के राष्ट्रीय महासचिव और उत्तर प्रदेश के बरेली के दरगाह आला हजरत से जुड़े मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने भी आर्यन खान की शिक्षा दीक्षा और परवरिश पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि अगर शाहरुख खान ने आर्यन खान को दीनी तालीम दिलाई होती तो आर्यन खान को जेल जाना नहीं पड़ता। मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने मुस्लिम बॉलीवुड स्टार्स को भी बच्चों को दीनी तालीम देने की नसीहत दे दी है। अपने बच्चों को दीनी तालीम दिलाएं। अगर दीनी तालीम दिलाई होती तो ये हालात नहीं होते, उनका बच्चा नहीं बिगड़ता। सबको अपनी अपनी पड़ी है। शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान को जेल से बाहर निकालने में जुटे हैं, तो मौलाना अपनी धर्म की दुकान चलाने में जुटे हैं। उधर नेता आर्यन के गिरफ्तारी के बाद वोट बैंक की राजनीति में जुटे हैं। अब आर्यन खान ड्रग्स केस में भड़काऊ भाईजान भी कूद गए हैं। यूपी फतह करने के लिए निकले भड़काऊ भाईजान ओवैसी आर्यन खान के बहाने बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। हम एक फिल्म स्टार के बेटे की बात कर रहा हूँ। क्या उत्तर प्रदेश की जेलों में 47% मुसलमान जेल में नहीं है? बॉलीवुड से लेकर महाराष्ट्र सरकार के मंत्री तक रेव पार्टी करते हुए पकड़े गए आर्यन खान को बच्चा बता रहा है। एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, उसे फर्जी बता रहे हैं। इनमें उद्धव सरकार के मंत्री नवाब मलिक सबसे आगे हैं। एनसीबी की कार्रवाई महाराष्ट्र को बदनाम करना, महाराष्ट्र की सरकार को बदनाम करना और बॉलीवुड के जरिए मुंबई और फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह से बदनाम करने का एक षड्यंत्र है, फर्जीवाड़ा किया गया। अब एनसीबी ने महाराष्ट्र के नेताओं और मंत्रियों को मुंहतोड़ जवाब दिया है। एनसीबी ने एक बयान जारी कर कहा है कि जब लोग हमारी आलोचना करने में व्यस्त थे तब हम एक ऑपरेशन पर थे और वहां से हमने 1 करोड़ रुपए की ड्रग्स पकड़ी। एनसीबी ने रियो पार्टी करते हुए आर्यन खान और उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट और मॉडल मुनमुन धमेचा को ड्रग्स के साथ पकड़ा है। आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट के व्हाट्सएप चैट से विदेशी तस्करों के सुराग मिले हैं, जिसकी जांच एनसीबी तेजी से कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तारीख पर तारीख मिलती है मिलोट, लेकिन इंसाफ नहीं मिलता। 10 दिन से ऑर्थर रोड जेल में बंद किंग खान के शहजादे को बॉलीवुड फिल्म का ये डायलॉग बार बार याद आ रहा होगा। जेल में आर्यन की रातें मुश्किल से कट रही हैं। वो कैंटीन के बिस्किट को खा करके जी रहा है। पापा शाहरुख ने बेटे के लिए 4500 रुपए का मनी ऑर्डर भी भेज दिया, लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये नौबत क्यों आ गई। पूरा बॉलीवुड शहजादे को अच्छा बच्चा बताने में जुटा हुआ है, लेकिन किसी को इस बात की फिक्र नहीं है कि वो अच्छा बच्चा नशेड़ी कैसे बन गया। आखिर देखिए इस रिपोर्ट को आप। किंग खान के शहजादे को अच्छा बच्चा बनाने के लिए मौलाना मदरसा ज्ञान दे रहे हैं, तो एनसीबी जेल में उन्हें धार्मिक किताबें पढ़ने की नसीहत दे रही है। हालांकि बॉलीवुड का नशेड़ी गैंग अब भी आर्यन को बच्चा करार देकर उसे बेगुनाही का सर्टिफिकेट देने में जुटा है, लेकिन सवाल शाहरुख की परवरिश पर भी उठ रहे हैं। क्या शाहरुख की परवरिश में अशुद्धि है? आखिर आर्यन कैसे बन गया नशेड़ी?
एनसीबी की पूछताछ में आर्यन ने कबूल किया है कि वो कई साल से ड्रग्स ले रहा था। ऐसे में ये कहना कि शाहरुख को बेटे के नशेड़ी होने का पता नहीं था किसी के गले नहीं उतरेगा। अब सवाल ये है कि सुपरस्टार ने बेटे को सुधारने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या शाहरुख को आर्यन का ड्रग्स लेना मामूली बात लग रही थी? क्या उन्हें पता नहीं था कि ड्रग्स लेना खरीदना संगीन जुर्म है? रईस ज़ादों को लग रहा था कि कानून सिर्फ गरीबों के लिए है, लेकिन कानून के हाथ कितने लंबे होते हैं ये इस केस से साबित हो गया। शहजादे के सलाखों के पीछे जाने के बाद से ही मन्नत में मायूसी है। पूरा बॉलीवुड उसकी जल्द रिहाई के लिए दुआ कर रहा है, लेकिन कानूनी दाव पेच फंसा मामला काफी लंबा खिंच चुका है। पहले एनसीबी की कस्टडी और फिर लोअर कोर्ट से सेशन कोर्ट तक जमानत पर लंबी सुनवाई ने नशेड़ी गैंग को तोड़ कर रख दिया है। खबर है कि जेल में आर्यन 10 दिन बाद भी सहज नहीं हो पाया। वो ड्रग्स केस से जुड़े दूसरे आरोपियों से भी बात नहीं कर रहा है। सुरक्षा के लिहाज से उसे अलग बैरक में निगरानी में रखा गया है। शाहरुख ने बेटे के लिए 4500 रुपए का मनी ऑर्डर जेल भेजा है। नियम के मुताबिक एक कैदी हर महीने में 4500 रुपए मनी ऑर्डर से मंगवा सकता है। इस पैसे का इस्तेमाल आर्यन जेल कैंटीन से सामान खरीदने में कर रहा है। पिछले दिनों खबर आई थी कि आर्यन जेल का खाना नहीं खा रहा, वो कैंटीन के बिस्किट के भरोसे ही जी रहा है, लिहाजा जेल अधिकारियों को उसकी सेहत की भी चिंता सता रही है। स्टार किड्स की जमानत में हो रही देरी को लेकर भी बॉलीवुड एक्टर सवाल उठा रहे हैं। मॉडल और एक्ट्रेस पूजा बेदी ने अपील की है कि कोर्ट का तारीख पर तारीख देने का नेचर चेंज हो। आर्यन के मामले में भी ऐसा ना हो कि केस गलत कोर्ट में आ गया, बला हॉलिडे आ गया, जज बीमार हो गया तो सुनवाई हो ही नहीं सकती। ये सब बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है। पूजा का कहना है कि आर्थर रोड जेल में हार्डकोर क्रिमिनल रहते हैं, ऐसे में 23 साल के युवक को उस जेल में रखना डैमेजिंग है। बॉलीवुड के तमाम दिग्गज एनसीबी की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन किसी को भी बॉलीवुड के गटर की चिंता नहीं है। इंडस्ट्री नशे के गर्त में जा रही है, युवाओं की जिंदगी बर्बाद हो रही है, लेकिन कोई सुधरने को तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।